ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول صلاح هذه الأمة باليقين والزهد، وأول فسادها بالبخل والأمن. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله. भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, इंसान के पास जो वक्त है, वो जिंदगी है। ये वक्त बड़ा ही कीमती है और ये जिंदगी बड़ी कीमती जिंदगी है। ये जो जिंदगी का जो मिनट और सेकंड चला गया है, वो जिंदगी में दोबारा पलट कर नहीं आ सकता। अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर वक्त की कीमत को बहुत ज्यादा बयान किया है कि वक्त जो है बड़ा कीमती। अल्लाह ने कसम खा खा कर वक्त की कीमत को बताया है। इसलिए कीमती जो चीजें होती है, कीमती यानी चीज जितनी भी कीमती होती है, आदमी उसकी उतनी देखभाल करता है, उसकी हिफाजत करता है, उसको जाय होने से बचाता है। तो इंसान के पास इसकी जिंदगी सबसे ज्यादा कीमती है। तो अकलमंद और अकल की बात ये है, और अकलमंद शख्स वो है जो इस कीमती चीज की हिफाजत करे, जाय होने से बचाए। कि जिंदगी का कोई मिनट सेकंड फजूल ना गुजरे, जाय ना हो। कि वक्त को फजूल गुजारना और फजूल कामों के अंदर वक्त लगाना, इससे मना किया गया है कि आप अपनी जिंदगी के वक्त को फजूल कामों में नहीं लगा सकते। क्यों? इंसान सबसे ज्यादा कीमती है, सबसे ज्यादा अशरफ है। तो इंसान को जो जिंदगी मिली है, जो वक्त मिला है, ये वक्त भी बहुत ज्यादा कीमती है। तो इसलिए इंसान अपने औकात को, इंसान अपनी जिंदगी के घड़ी घंटों को और अपनी जिंदगी के औकात को ऐसे कामों में लगाए कि जिन कामों से इसको नफा होता हो, और उन कामों
में लगाने से वक्त को बचाएं कि जहां किसी चीज का नफा नहीं है। श्री अल्लाह ने फरमाया वल असर, कसम है जमाने, कहीं फरमाया वल फजर, कसम है फजर की, कहीं फरमाया वल लैल इज़ा यसर, कसम है रात के जो चलने लगे, वस्सुबह इज़ा तनफ्फस, कसम है सुबह की जब सांस लेने लगे, वल्लैल इज़ा अस्अस, कसम है रात की जब वो छा जाए। तो ये अल्लाह जो वक्त की कसम खा रहे हैं, वक्त की कीमत को बता रहे हैं कि ए इंसानों, अल्लाह ने जो तुम्हें जिंदगी दी है और जवानों को जो जवानियां दी है और बूढ़ों को बुढ़ापा दिया है और जो बचपन से लेकर मौत तक का वक्त है और पैदाइश से लेकर कब्र तक जाने का जो वक्त है, जो जिंदगी अल्लाह ने दी है, ये जिंदगी बड़ी ही कीमती है कि फजूल कामों में लगाकर इस जिंदगी को जाया न किया जाए, कि इसको काम में लाओ और सही जगह लगाओ और सही काम में लगाओ। अल्लाह बाप कल कयामत के दिन जिंदगी के बारे में सवाल करेंगे, पूछेंगे जिंदगी दी थी कहाँ लगा कर आए, जवानी दी थी जवानी कहाँ लगा कर आए, तो सवाल भी होगा इसका। तो इंसान अपनी जिंदगी को सही रुख पर लगाएगा, जिस मकसद के लिए अल्लाह ने दुनिया के अंदर भेजा है उस मकसद के अंदर अपनी जिंदगी को लगाएगा तो इसको पूरा पूरा नफा मिलेगा। फिर इसका एक एक मिनट और एक एक सेकंड तोला जाएगा। अल्लाह बाप एक एक मिनट और एक एक सेकंड को तोल कर इसको अजर अता फरमाएंगे कि जब ये अपनी जिंदगी के औकात को सही कामों पर लगाएंगे, अल्लाह की इताअत पर, अल्लाह की इबादत पर, अल्लाह के जिक्र अज़कार पर, दुनिया का दुनिया के कामों से फारिग होकर या अपने वक्त को जो इबादत में लगाएगा, अल्लाह की याद में लगाएगा, तो इस जिंदगी के अंदर दो काम करने के हैं, तीसरा काम नहीं है। ये जो अल्लाह ने जिम्मेदारी दी है हलाल रोजी के कमाने में वक्त लगाना है और दूसरा अल्लाह की इबादत में वक्त लगाना है, तीसरी कोई जगह नहीं है। कि तीसरी जगह अगर वक्त लग रहा है तो फजूल लग रहा है, खेलकूद के अंदर वक्त लग रहा है, फजूल लग रहा है और इधर उधर के कामों में और इधर उधर की बातों में अगर वक्त लग रहा है तो फजूल लग रहा है और ये पकड़ का जरिया होगा। कल कयामत के दिन अगर इस तरीके से फजूल कामों में वक्त लगेगा तो पकड़ का जरिया होगा। तो इसलिए दोस्तों हम अपनी जिंदगी के औकात की कीमत को समझें कि अल्लाह ने जो मुझे जिंदगी दी है ये कितनी कीमती है और ये बस पहले ही मर्तबा मौका मिला है कि इस दुनिया के अंदर रहकर आखिरत के लिए जो कुछ करना है कि यही करना है कि जब सांस खत्म हो जाएंगे और जिंदगी की मियाद पूरी हो जाएगी तो फिर मौका नहीं दिया जाएगा। फिर आदमी कहेगा कुरान पाक के अंदर इसका भी तज़किरा है, जिक्र है कि जब आदमी अपनी जिंदगी को गफलत में गुजार देता है, बेहयाई के कामों में गुजार देता है और वो जिंदगी के वक़्त की कीमत नहीं समझता
और फजूल कामों में और यूं ही लापरवाही के साथ और गफलत के साथ गुजार देता है। और मौत का फरिश्ता जब आता है, हत्ता इजा जा मौत قال رب ارجعون, फिर कहता है ए मेरे रब मुझे और मोहलत दे दे कि मैंने तो अपनी जिंदगी यूं ही जाया कर दी, मैंने तो कुछ किया ही नहीं आखिरत के लिए, तो मैंने कुछ किया ही नहीं मौत के बाद वाली जिंदगी के लिए, मैंने कुछ किया ही नहीं है, मेरी जिंदगी गफलत में गुजर गई और ये मौत का फरिश्ता मेरे सामने हाजिर हो चुका है। हत्ता इज़ा जा अहदुल मौत قال رب ارجعون, ए मेरे रब वापस लौटा दे, जिंदगी और दे दे, क्या होगा لعلي اعمل صالحا فيما تركت, कि अब मैं जो छोड़कर आया हूं कि उसके अंदर नेक आमाल कर लूं, अगर तू मुझे मोहलत दे दे तो मैं कुछ नेक काम कर लूंगा, सदका खैरात कर दूंगा और तेरी इबादत कर लूंगा और आखिरत की मौत के बाद वाली काम आने वाली जो चीजें हैं वो साथ ले लूंगा। अल्लाह पाक कहेंगे कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा काइदुहा, ये बकवास कर रहा है, ये बात कह रहा है, इसकी बात की कोई हैसियत नहीं है, अब इसकी नहीं सुनी जाएगी। वो मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम यबअथून, ये ऐसा क्यों कह रहा है, अब इसको जो है कब्र का अज़ाब इसको नजर आ चुका है, कब्र के सांप और बिच्छू इसको नजर आ रहे हैं, तो वो कब्र की जिंदगी कि जिसके अंदर ये क़यामत पड़ा रहेगा और कब्र का अज़ाब क़यामत तक भुगतता रहेगा कि वो अज़ाब इसको नजर आ रहा है, इसलिए अब ये मोहलत मांगता है, क्या कोई मोहलत नहीं दी जाएगी, इतना मौका दिया था और इतनी मोहलत दी थी और सारी चीजें दी थी और सारी चीजें अदा की गई थी, लेकिन ये समझा ही नहीं वक्त की कीमत को, ये समझा ही नहीं जिंदगी की कीमत को और यूं ही जाये करके आ गया, क्या भी इसको दोबारा मौका नहीं मिलने वाला। और कल कयामत के दिन जब कयामत का दिन मैदान हशर कायम होगा, अल्लाह हिसाब लेंगे और आमाल तोले जाएंगे और नेकियां तोली जाएंगी और बुराइयां तोली जाएंगी, उस वक्त जब इंसान वो शख्स जो गाफिल होकर जिंदगी गुजार कर गया और सारी जिंदगी गफलत के साथ गुजारी, अल्लाह की ना मानकर और अल्लाह को नाराज कर कर गया, अल्लाह की मान कर नहीं गया, कि जब वो अपने आमाल को देखेगा, जब वो दाएं तरफ देखेगा तो गुनाह ही गुनाह नजर आएंगे और बाएं तरफ देखेगा गुनाह ही गुनाह नजर आएंगे और सामने देखेगा तो जहन्नम की देखती ही आग नजर आएगी, फिर वो कहेगा है अफसोस मैं मारा गया, रब्बना अबसरना व समिअना फरजीना नअमल सालिहन इन्ना मूकिनून, अब यकीन आ गया है, अब देख लिया है, अब सुन लिया है, अब समझ में आ गया है, अब दोबारा भेज दो कि नहीं कि अब दोबारा जिंदगी नहीं मिलने वाली, कि इंसान को सबसे बड़ा दुख होगा उसको, कि अब मैं क्या करूं, दाएं और बाएं दोनों तरफ गुनाह ही गुनाह है और सामने देखती ही आग है, अब ये अफसोस में अपने अंगूठे को मुंह में लेगा, जब किसी आदमी को किसी चीज का अफसोस होता है, दुख होता है, रंज होता है, तो अपने अंगूठे को लेकर ये चबाता है कि अब ये अफसोस के साथ एक यानी गम में डूब कर अपने अंगूठे को मुंह में लेगा और चबाना शुरू करेगा और पूरा हाथ चबा देगा, ऐसी बेहोशी होगी और ऐसा गम उसको लाएगा इस बात का कि मैं दुनिया के अंदर जिंदगी को यूं ही जाय करके आ गया,
मैंने जिंदगी की कीमत तो नहीं समझा, फजूल कामों में वक्त लगा कर आ गया, मैंने अपनी जिंदगी को सही रुख पर नहीं लगाया, अल्लाह की इताअत पर नहीं लगाया, अल्लाह की इबादत पर नहीं लगाया, मैं अपनी मर्जी से चलता रहा, मैंने न हलाल की तमीज की न हराम की तमीज की, मैंने नहीं सोचा क्या हलाल है क्या हराम है, और मैं चलता रहा और मैं कमाता रहा और मैं खाता रहा, न हलाल की तमीज की न हराम की तमीज की, बल्कि हराम को हलाल समझ कर करता रहा और हराम को हलाल समझ कर खाता रहा। क्या आज ये हाल हो रहा है इंसानों का, मुसलमानों का, ईमान वालों का, कि हलाल और हराम की तमीज ना रही, बल्कि हराम को हलाल समझ कर खाया जा रहा है, हराम को हलाल समझ कर खाया जा रहा है, तो बताओ कैसा ईमान होगा, कैसा ईमान होगा कि जो ईमान इतना कमजोर हो चुका हो कि जो हराम काम को हलाल करार दे दे, जो हराम रोजी को हलाल रोजी करार दे दे, तो बताओ कल कयामत के दिन वो अपने इस कमजोर ईमान के साथ, अपने कमजोर ईमान के साथ अल्लाह के आजाब से कैसे बचा लेगा, कैसे बच जाएगा जहन्नम के आजाब से, कैसे बच जाएगा जहन्नम के अंगारों से, कैसे बच जाएगा अल्लाह की पकड़ से, कि जब ईमान की सतह यहां तक गिर गई हो कि हराम को हलाल समझ कर इस्तेमाल किया जा रहा है। अरे अल्लाह ने, अल्लाह पाक ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और शरीयत के अंदर कि जो चीज हराम हो चुकी है वो हलाल नहीं हो सकती, और जो हलाल हो चुकी है उसको कोई हराम नहीं कर सकता। आदमी कहे कि भाई मैं तो झूठ बोलकर कमाता हूं और झूठ बोलने की वजह से मुझे नफा ज्यादा होता है, तो बताओ क्या इस कमाई को कोई हलाल करार दे सकता है कि भाई इसकी मजबूरी है, इसकी मजबूरी है, इसकी आदत बन गई है, ये झूठ बोलता है और झूठ बोलकर नफा ज्यादा कमाता है, तो ये चीज कभी भी हलाल नहीं हो सकती है। झूठ हराम है, झूठ हराम है, और झूठ सबसे गंदा गंदी चीज है, सबसे खबीस चीज है, और झूठ पर जितने भी काम मुरतब होंगे वो सब के सब है हराम है। कि जो चीज हराम और उसके जरिए से जो भी काम होंगे वो जायज कैसे हो सकते हैं। इसलिए बुजुर्गों, हम अपनी जिंदगी की कीमत पर समझे, एक दिन ये दुनिया छोड़ मरना है, कब्र के घड़े में जाना है, मुनकर नकीर से सामना होना है, उसके बाद में मैदान हशर में अल्लाह के सामने खड़े होकर पूरी जिंदगी का हिसाब देना है। आदमी आखिरत को सोचे, इसके सामने आखिरत का इस्तेदार हमेशा रहना चाहिए कि जब आदमी आखिरत को और मौत को और कब्र की जिंदगी को भूल जाता है तो फिर बेपरवाह हो जाता है, फिर गाफिल हो जाता है। जब इसके सामने आखिरत का मंजर रहेगा, कब्र का मंजर रहेगा, मौत का मंजर रहेगा, तो फिर ये कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं गाफिल होगा। इसलिए हमेशा आदमी को मौत के मंजर को भी याद रखना चाहिए, कब्र की तारीकी को और कब्र की अंधेरी को हमेशा याद रखना चाहिए। जब हम रात को सोएं और जब कमरे की लाइट बंद कर दें, जब अंधेरा छा जाए, उस वक्त कब्र के अंधेरे को याद करो, कब्र की तारीकी को याद करो कि देखो ये दुनिया का अंधेरा है, ये दुनिया का अंधेरा है, एक दिन मरकर कब्र में जाना है, कब्र में जो अंधेरा होगा
खबर के अंदर मेरा क्या होगा, मेरे पास वो कौन से आमाल है जिन आमाल की बुनियाद पर खबर के अंदर मेरे लिए रोशनी हो जाएगी। हमेशा भी याद कि जब आखिरत का इस्तेजार होगा, कब्र का इस्तेजार होगा, तो आदमी गाफिल नहीं हो सकता। गाफिल उसी वक्त होता है, गफलत उसी वक्त होती है जब आगे के मनाजिर को आदमी बुला दे। इसलिए बुजुर्गो, अल्लाह ने जो जिंदगी दी है, ये जिंदगी बड़ी कीमती है। गुनाह के अंदर और नाफरमानियों के अंदर और खेलकूद के अंदर और इसी तरीके से फजूल कामों के अंदर हम जिंदगी को ना लगाएं, वहां से बचाएं और सही कामों पर अपनी जिंदगी को लगाएं। मस्जिद को वक्त दें, मस्जिद में आए, पांच वक्त की नमाज का एहतमाम करें, किसी के साथ भलाई के लिए वक्त को निकालें, किसी के साथ खैरखाई करने के लिए वक्त को निकालें और इसी तरीके से इबादत के लिए, कुरान की तिलावत के लिए, जिक्र अज़कार के लिए और लोगों को मस्जिद से जोड़ने के लिए इस मेहनत के लिए और अपनी जिंदगी की सलाह और अपनी सलाह के लिए और अपनी जिंदगी को सवारने के लिए, इसके लिए अपने आदमी जो है वक्त को निकाले, फिर ये जिंदगी हमारी कीमती बनेगी। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक सुन्नत